أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ये उस फहरिस्त में जगह पाने वाले खुश नसीब लोगों में से एक और ख़ुश नसीब का तकरा आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ हजरत सहैब रदील रिवायत फरमाते हैं कि नबी आ सलात वसलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो खाना खिलाए और सलाम का जवाब दे यह हदीस इमाम अहमद ने रिवायत की इमाम अहमद के अलावा मुस्दरक हाकिम वगैरह के अंदर भी यह हदीस मौजूद है पैर नबी अलैहि वसल्लम ने समाज के बेहतर लोगों का तस्करा किया तो उसमें आप अलैहि वसल्लम ने एक और किस्म के लोगों को भी शामिल किया और कहा कि समाज के बेहतर लोगों में से वो लोग भी हैं जो भूखों को खाना खिलाते ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का अहतमाम करते अब ये ज़रूरतमंद कभी आपके दरवाज़े तक आते होंगे और कभी आपको उनके दरवाजे तक जाना पड़ेगा ये ज़रूरतमंद रोज़ाना के ज़रूरतमंद हो सकते हैं या जिन हालात से हम और आप गुज़र रहे हैं इन हालात में किसी हादसे किसी मुसीबत या किसी आफत ज़मीनी आसमानी किसी बीमारी वबा के नतीजे में खाने पीने के मोहताज बन जाने वाले लोग होंगे अक्सर ऐसे मुसाफिर भी जो अपने इलाके में तो मालदार ये बेनियाज होते हैं एक अजनबी इलाके में आते हैं तो फिर वो मोहताज और ज़रूरतमंद होते हैं इसीलिए नबी अलीस्त ने मेहमान का हक कहा वाजिब है तीन दिन तक उसके खाने पीने का हक वाजिब होता है मेजबान पर नबी अलीसरातलम ने कहा चाहे जैसा भी आदमी हो एक भूखे आदमी को खाना खिलाना इस्लामी शरीयत की नजर में बहुत बड़ा खैर का काम है قرآن مجید میں الله تبارك و تعالی نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی و الطعام على حبه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا و, و اسیر یا تو مال کی محبت کھانے کی محبت کے باوجود یا پھر اللہ تعالی کی محبت میں وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں وہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں, و, کو ہیں اللہ تعالیٰ و تعالی نے مومنین کی صفت कि मोमिन जो होते हैं वो मोहताजों को जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले होते हैं सुबह अल्लाह उमर रदी अल्लाह तला ने अपनी जिंदगी में यह मामूल बना लिया था कि वह अपने दस्तर खान पर किसी न किसी को शरीक किया करते थे ऐसा भी बाज लोगों ने लिखा है कि जरूरत पर अगर कोई मेहमान बर वक्त ना होता तो वह घर से बाहर निकल कर रास्ते पर नजर जमाए खड़े रहते कि कोई नजर आए तो उसे अपने साथ खाने में शामिल कर ले याद रखें एक तो जरूरतमंद मिसकीन फकीर को खिलाना मोहताज को खिलाना यह भी है और दूसरी तरफ जो जरूरतमंद ना हो लेकिन आपका करीबी रिश्तेदार दोस्त अहबाब मुतालिक है उसको भी खाने में शरीक किया करें हमारे समाज में खाना खिलाने का मसला या तो फ़कीरों मिसकीनों के साथ खास कर दिया गया है या घर आने वाले मेहमान के साथ ही हमने उसे खास कर लिया है जबकि एक दर्जा वो भी है कि कभी कभार अपने मिलने मिलाने वालों को हम खुद मदगू कर लें हम खुद बुला लें बुला कर अपने घर में अपने साथ शामिल कर लें साथ में बिठाएं खिलाएं पिलाएँ इस्लामी शरीत हम और आपको ये सिखाती है। लोगों को खाना खिलाने वाले बने इस्लामी शरीयत ने हम और आपको यह सिखाया है सही मुस्लिम की रिवायत में तो अल्लाह तबारक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हदीफ खुदसी में इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक रोज़ कीमत बंदे से कहेगा कि अब दी है मेरे बंदे इस तक तो का फलम तो इमनी तो तो मैंने तुझे खाना खिलाने के लिए कहा था लेकिन तूने खिलाया नहीं मुझे बंदा कहेगा कि आलमीन तू तो रब्बाल आलमीन है मैं तुझे क्या खिलाऊंगा अल्लाह फरमाएगा मेरे फला बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था तूने उसको नहीं खिलाया अगर तूने उसको खिलाया होता तो आज मेरे पास उसको पाया होता अल्लाह इस्लामी शरीयत की नजर में भूखे को खाना खिलाना भूखे का पेट भरना जरूरतमंद आदमी की इस जरूरत का ख्याल रखना इस्लामी शरीयत की नजर में बड़ी फजीलत वाला काम है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की सीरत में आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी मेहमान बनकर आया ज़रूरतमंद बनकर आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवाज मुतहरात के पास कहला भेजा पूछा क्या खाने के लिए कुछ है अजवाज मुतहरात ने कहा कि नहीं घर पे कुछ है नहीं कि खिला सकें इसलिए कि नबी आलरातलम के घर का माहौल ये था कि अरब के दस्तूर के मुताबिक घर में खजूर और पानी हमेशा होता था खजूर और पानी रखे रहते थे और घर में जो जायद खाना जो बनाते थे गोश्त बनाना हो या रोटी बनाना हो वगैरह ये जो है रोज़ाना का मामूल नहीं था बल्कि पेरे नबी वसम के घर का तो यह मामूल बताया गया तीन दिन मुसलसल आपके घर में पकता नहीं था उस दिन अल्लाह के नबी वसल्लम का मामला ये हुआ कि आप अलैहि वसल्लम ने मालूम किया तो पता चला घर में कुछ नहीं है तो आप वसल्लम ने, ने सहाबा से पूछा साहबा से पूछा कि कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए एक साहबी खड़े हुए कहा अल्लाह के नबी मैं ले जाता हूं अपने घर गए जाकर अपनी बीवी से कहा कि मेहमान रसूल अल्लाह के नबी के मेहमान को लेकर आया हूँ उस खातून ने कहा घर में हमारे भी कुछ नहीं थोड़ा सा खाना है वो बच्चों के लिए रखा है उस ने कहा अल्लाह के नबी के मेहमान को लेकर आया हूँ वापस कैसे भेज सकते हैं एक काम करो बच्चों को बहला फुसला के सुला दो और मेहमान को खाना खिला दो और जब हम बैठे खाने के लिए तो मैं भी बैठूंगा तो तुम चुपके से चराग गुल कर देना और हम यूं जाहिर करें जैसे हम भी शरीक हैं लेकिन मेहमान पेट भर खाना खा ले सुबहान अल्लाह उन्होंने यह रवैया तरीका अपनाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुबह तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि कल रात तुमने जो अपने मेहमान के साथ सुलूक किया तुमने जो हमारे मेरे भेजे हुए मेहमान के साथ मामला किया उसको देख कर अल्लाह व तआला बहुत ज्यादा खुश हुआ है अल्लाह खाना खिलाना ज़रूरतमंद आदमी को खाना खिलाने का हम अहतमाम करें हमारे समाज में एक अजीब मामला है जिसका मुशाह हम और आप करते हैं कई फकीरों मिसकीन आते हैं हमारे सामने खाना मांगते हुए आते हैं पैसा मांगते हुए आते हैं ये सच है कि बहुत सारे लोग पेशावर हैं बहुत सारे लोग लोगों को धोखा देते हैं भूख का इजहार करके भीख मांगते हैं पैसा लेते हैं उनको रोकने की कोई और सबील निकालनी चाहिए यह होना चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे बाज धोखे बाजों की आड़ में वाकई मानो में जो भूखे प्यासे समाज के लोग हैं उनको हम और आप छोड़ दें सुबह अल्लाह ये मुसलमानों की पहचान थी ये मुसलमानों की पहचान थी कि वो खाना खिलाते हैं माफ करना आज गुरुद्वारों में लंगर चलता है मुसलमानों के घरों से आदमी को बहुत कम खाना पीना मिल पाता है ऐसा क्यों हुआ कि हमारी खूबियां दूसरों के अंदर नजर आती हैं हम अब इन खूबियों से दूर कैसे होते चले जा रहे हैं हमारे और आपके समाज में खाने खिलाने का एहतमाम होना चाहिए हाँ लंगर हमारे यहां भी लगते हैं मजारात पे लगते हैं आस्थानों पे लगते हैं याद रखो ये खाने खिलाना मकसद नहीं है खाना खिलाना जरूरतमंद आदमी को उसको पता चले बगैर उसकी जरूरत पर उसके खाना पहुंच जाए या अगर कोई जरूरतमंद पता हो अपने घर लाकर उसको खिलाएं ये तरीका होना चाहिए हजरत अबू हुरैरा और रदी अल्लाह तनों ने अपनी जिंदगी के कई वाकियात ऐसे नकल किए कि भूख और प्यास की शिद्दत से मैं या दीगर सहाबक कैसे परेशान होते थे हजरत अबू हुररा ने कहा है हजरत अबू बकर सिद्दी कर एक मरतबा भूख से परेशान होकर निकलते हैं देखते ये हैं कि नबी अलीसम भी भूखे हैं अल्लाह के नबीसलम के साथ निकल कर जाते हैं एक सहाफ़ी के घर मेजबान होकर खाना खाते हैं बताने का मकसद ये कि हमारे समाज में इस खैर को जिंदा करने की ज़रूरत है कि हमारा हर घर किसी भी आदमी को खाना खिलाने वाला हो और हकीकत ये कि थोड़ी सी तोज्जो दें जरा बराबर मुश्किल नहीं एक निवाला हम कम कर लें हमारे घर वालों के निवालों में से एक एक निवाला मिलकर एक गरीब का पेट भर सकता है हम खाना खिलाने वाले बने इस सुन्नत को जिंदा करें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन खे रुकम तो में सबसे बेहतर वो है जो खाना खिलाए और दूसरी बात नबी अली ने कही वो सलाम सलाम का जवाब दे देखिए सलाम करने में पहल करना ये जो है आदमी के ईमान वाले होने की और खैर में सबकत करने की अलामत है लेकिन सलाम करने के बाद जवाब ना देना यह मुतकबर इंसान की अलामत है बहुत सारे लोग सलाम करने में अपनी कसरे शान समझते हैं ले, उन लेकिन उनसे भी इसी ज्यादा मुतकबर और मगरूर लोग वो होते हैं कि कोई आदमी सलाम करे तो जवाब नहीं देते या सीधे मुंह जवाब नहीं देते उनका मुंह नहीं खुलता उनकी नजर नहीं उठती वो जवाब देने में आवाज बुलंद करने को सलाम करने वाला सलाम कर रहा है जवाब जिसको दे रहे उसको सुनने वाली आवाज में जवाब देने में कसरे शांत समझते हैं इस्लामी शरीयत ने हमें यह नहीं सिखाया का सलाम सलाम का जवाब देना यह वाजिब है और जो आदमी सलाम का जवाब देता है वह खई तुम में सबसे बेहतर लोगों में से है यानी एक इंसान सलाम करने वाला कोई भी हो समाज में उसकी हैसियत कुछ भी हो उसका आपसे रिश्ता कैसा ही हो हत्या कि आपका दुश्मन भी है अगर वो सलाम कर रहा है उसका जवाब देना आप पर जरूरी है और अगर आप जवाब देते हैं तो आप खेर हुकुम, लोगों में सबसे बेहतर लोगों में आपका शुमार होता है यह नबी सलाम ने बयान फरमाया हाजी ने गिरामी के सिलसिले की एक और कड़ी आज हमने सुनी और वो ये कि नबी अली सलात वसलाम ने फरमाया तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो लोगों को खाना खिलाएं और सलाम का जवाब दें हमारे समाज में यतीम खाने हैं लोग वहां जाकर खाना खिलाने का अहतमाम करते हैं अच्छी बात है हमारे समाज में मदरसे हैं सदका और खैरात नहीं अच्छे माल में से मदरसों के अंदर खाना खिलाने का एहतमाम करें हमारे समाज में हमारे अड़ोस पड़ोस में गरीब हैं हमारे रिश्तेदारों में गरीब हैं उनको खिलाने पिलाने का एहतमाम करें खिलाने वाले बने आप अपने घर के अंदर और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हजरत अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह तुम्हारा की तरह अपने दस्तर खान को आबाद रखें कि कोई ना कोई आपके दस्तर खान से खाता पीता रहे ये मेहमान आपके घर में बरकत लाते हैं ये जरूरतमंद आपके निवाले में बरकत लाते हैं खिलाना दरअसल तो काम का, करने वालों को नबी अली सलाम ने समाज के सबसे बेहतर लोग होने का सर्टिफिकेट दिया है हम अपनी गुफ्तगु को मुख्तसर करते हुए अल्लाह तला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तम और आपको खिलाने वाला और लोगों के सलाम का जवाब देने वाला बनाए और नास की फहरिस्त में ये जो ये खैर का काम है ये खैर का काम भी हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तोहफी कतः फरमाएं अमीन वसलामुअलैकुम वरह वबरकू